हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड आज हम बात करेंगे नवग्रह के। नवग्रह का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नवग्रह क्या है कि जो हेवनली बॉडीज होती हैं या कुछ देवताज होते हैं जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उनके मानव जीवन पे इफ़ेक्ट करती हैं जो बॉडीज, उनको कहा जाता है नवग्रह। अब नवग्रह के जो लॉर्ड हैं वो कौन से हैं? लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा के जो लीडर हैं वो कौन से हैं? सूर्य। अब नवग्रह जो हैं उनके बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं हमें? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीज मंत्र आता है नवग्रह का, उनकी चैंटिंग करनी चाहिए। जितनी उनकी चैंटिंग करेंगे उतने ही हमें उनके बेनिफिट इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, और जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे नवग्रह है काम नहीं है, कई बार हम कहते हैं पता नहीं मेरे तो ग्रह ही खराब हो रखे हैं जिस वजह से कोई काम नहीं बन पा रहा, तो इनको अगर हमने नवग्रह को हमने शांत करना है तो उसके लिए दो फैक्टर जो हैं हमारी लाइफ के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो है प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रेयर और मेडिटेशन ऐसे फैक्टर हैं जिनको करने से हम अपने कोई भी हमारे ऊपर बैड मतलब ग्रह का कुछ ऐसा बुरा प्रभाव आ रहा है तो हम उनको शांत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनके नाम क्या हैं नवग्रह की और इनकी पूजा कैसे की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको नवग्रह के बारे में बताया था कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नवग्रह होते कौन कौन से हैं। राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर, मून, सन, मार्स, ये जो मरकरी, ये जो हैं ये नवग्रह हैं। और अब नवग्रह जो हैं उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? अगर हमने अपना कोई भी ग्रह मजबूत करना है तो उसके लिए हर ग्रह की पूजा जो है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं केतु की। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपने क्या करना है? मेडिटेशन करनी है और अध्यात्म से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने जो कनेक्शन हैं, अगर आप फॉरेन में अपने कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो बनाने की कोशिश करें। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए अच्छे काम करें और एक्टिव रहें। वीनस जो ग्रह है उसको ठीक करने के लिए अपनी केयर करनी है और अपने आप को पैम्पर करना है खुद को ही। ओके, जुपिटर जो ग्रह है उसके लिए क्या करना है आपने कि ब्लेसिंग लेनी है कि इनकी अपने बड़ों की और अपने गुरु की ब्लेसिंग लो जितनी हो सके, और कोशिश करें कि वेजिटेरियन फूड ही खाएं आप। मरकरी ग्रह को मजबूत करने के लिए कि कोई भी नया कपड़ा है उसको पहनने से पहले आप उसको धो लें और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मार्स यानी कि मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, दूसरे अपने साथ हमेशा लाल रंग का हैंकी रखें। चंद्रमा ग्रह को मजबूत करने के लिए आपने अपने मदर की और फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी है, और दूसरी क्या है के लिए मेडिटेशन करनी है आपको। सन यानी कि सूर्य ग्रह के लिए आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना है आप। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो नवग्रह हैं उनको मजबूत कर सकते हैं।